हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को। दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोगों की कैसी चल रही है स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। और इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं इम्प्रेस कर दिए हैं तो ज़रूर कर देना, जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में है धमनी और सीरा में अंतर, और यह है धमनी और सीरा में अंतर, और इसमें है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लेना फटाफट। काफ़ी विस्तार ढंग से मैंने आपको उस वीडियो में समझाए हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके 2020 के मैट्रिक परीक्षा में ये सवाल आपके लिए गेस बनता है। तो इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, मुझे उम्मीद है। आओ प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। सवाल है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखे, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, ठीक है। तो आपको लिखना है नीचे कि जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, जिसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, जाइलम का अंतर है और एक तरफ फ्लोएम का देना, ठीक है, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। फिर उसके बाद देख लो जाइलम का क्या हो जाएगा, इसकी कोशिकाएँ मृत होती है। जाइलम की जो कोशिकाएँ होती है वो मृत होती है, और फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम में जो कोशिकाएँ होती है वो जीवित होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है, जाइलम की कोशिकाएँ होते हैं वो मृत होती है, और इसकी जो फ्लोएम की कोशिका होती है वो जीवित होती है। नेक्स्ट अंतर में आ जाओ, इसमें जल का संवाहक होता है, ठीक है, यानी कि जाइलम में जल का संवाहक होता है, और फ्लोएम की बात की जाए तो इसमें खाद्य पदार्थ का संवाहक होता है। ये आपको अंतर समझना है कि जाइलम में जल का संवाहक होगा और खाद्य पदार्थ में, यानी कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का संवाहक होगा। नेक्स्ट अंतर की ओर आ जाओ, काफ़ी मोस्ट है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आपका तीसरा अंतर क्या कहता है, इसमें जल का संवाहक नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो जाइलम होता है जल के संवाहक नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में, यानी कि इसमें, और इसमें कहता है कि इसमें खाद्य पदार्थ का संवाहक ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो आई होप ये अंतर आपको समझ में आ गया है कि अगर हम जाइलम की बात की जाए तो जाइलम में जो जल का संवाहक होता है वो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होता है, और संवाहक खाद्य पदार्थ फ्लोएम की बात की जाए तो खाद्य पदार्थ का संवाहक ऊपर से नीचे की ओर होगी। अब देखो आपको मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है देख लो, इसमें जल का संवाहक वाहिनी द्वारा होता है, ठीक है, जाइलम में जो जल का संवाहक होता है वो वाहिनी द्वारा होता है, और अगर फ्लोएम की बात की जाए तो इसमें खाद्य पदार्थ का संवाहक चालिनी नलिकाएं द्वारा होती है। ये मोस्ट समझना है, वाहिनी नलिकाएं द्वारा और चालिनी नलिकाएं के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ चुका है, और आइए एक बार साथ मिलकर पढ़ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो पहला अंतर है जाइलम में इसकी कोशिकाएँ मृत होती है, और फ्लोएम में इसकी कोशिकाएँ जीवित होती है। दूसरा, इसमें जल का संवाहक होता है और उसमें खाद्य पदार्थ का संवाहक होता है। अब आपकी बात की जाए तीसरे की, तो इसमें जल का संवाहक नीचे से ऊपर की ओर होगी, ठीक है, जाइलम में नीचे से ऊपर की ओर होगी और फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर होगी खाद्य पदार्थ का संवाहक। अब बात की चौथा अंतर की बात की जाए तो इसमें जल का संवाहक वाहिनी द्वारा होता है, ठीक है, वाहिनी द्वारा होता है, और खाद्य पदार्थ फ्लोएम की बात की जाए तो खाद्य पदार्थ का संवाहक चालिनी नलिकाएं द्वारा होती है। तो ये आपका जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में अंतर है, और इस क्वेश्चन को आपको याद करके मैट्रिक में जाना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और चैनल को जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो अंतर की आएगी उस वीडियो में जरूर देखना, ठीक है। बेस्ट ऑफ, थैंक यू, दैट्स ऑल।